राजस्थान के पाली में 17 जून को रोहट के कलाली गांव में नरेगा पर काम करने वाली महिलाओं द्वारा विधायक भीमराज भाटी पर हुए हमले के बाद से घटना का मास्टरमाइंड फरार सरदारा राम भाट की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर शनिवार को पूर्व विधायक पूर्व जिला अध्यक्ष एवं सेव निर्वृत्त ISS CD देवल ने जिला अध्यक्ष चुन्नी लाल चांडवास के साथ जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोकी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि 11 दिन के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है तो दूसरी ओर पुलिस की कार्यवाही की भनक भी कुछ पुलिसकर्मी सरदारा राम को देकर उसे सतर्क करते नजर आ रहे हैं। सरदारा राम पर पहले से ही 12 से अधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी खुद की हिस्ट्री, जबकि पुलिस अमूमन 3 मामलों में ही अपराधी की हिस्ट्री खोल देती है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रोहित थाना पूरा सरदारा राम को पनाह देता है। सबसे पहले पुलिस थाने को बदलना चाहिए, राजभाषा का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, उसके पास बंदूक का लाइसेंस निरस्त किया जाए, उसके बावजूद भी पानी पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम साबित होती है। साथ ही देवर ने कहा कि सरदारा राम के पक्ष में जिला मुख्यालय पर कड़ी 100 से भी ज्यादा लोगों ने धरना देकर ज्ञापन दिया था, जो कि कोरोना काल के चलते नियमों की अवहेलना की गई, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। जैसे नागौर में BJP नेता राजेंद्र राठौड़ के द्वारा नागौर पर नियम की अवहेलना करने पर कानूनी कार्यवाही करने के आदेश दिए गए थे, वैसे ही सरदारा राम के पक्ष में बंजारा समाज के लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही करने के प्रशासन को आदेश देने चाहिए। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी अगर पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता पर हमले करने वाले मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो कांग्रेस की ओर से जिला प्रशासन व अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष रिटायर्ड IAS सम्मानित CD देवल साहब पधारे थे पाली, पहले तो भीमराज जी की कुशल क्षेम पूछी, उनके बाद SP साहब से मिले। हमने SP साहब से साफ तौर पर निवेदन किया कि SP साहब, 17 तारीख की घटना है, आज 27 तारीख हो चुकी है, अब तक सरदारा राम इस मुकदमे से दूर है, और चूंकि सरदारा राम के खिलाफ 11 मुकदमे हैं फिर भी HS नहीं खुली। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ 3 मुकदमे होते हैं तो उसमें HS खुल जाती है, अभी तक उसकी HS क्यों नहीं खुली? और रही बात उसके खिलाफ 1,38,38 लाख का जो माइनिंग विभाग ने, खनन विभाग ने जो नोटिस दे रखा है, विज्ञप्ति जारी कर रखी है, तो उनकी अभी तक प्रॉपर्टी कुर्क क्यों नहीं हुई? उसकी गाड़ियां घूम रही है, उसकी JCB चल रही है, इस प्रकार भीमराज जी के पास गए हॉस्पिटल, उनकी स्थिति देखी जी सर, उनके अगर वो जो चोट नाक पर आई है अगर वो सिर ऊंचा नहीं करते तो उनका मौके पर निबड़ा हो जाता, क्योंकि पावड़ा था भारी और हड्डी कट गई। जोधपुर देखा कर कल आए हैं, उसके बाद हम SP साहब से मिले, SP साहब से निवेदन किया कि आप रोहित का जो पुलिस स्टाफ है ये सब उस सरदारा राम से मिला हुआ है, ये भ्रष्ट लोग हैं, पैसे खाते हैं और एक एक मिनट की इतला उनको देते हैं। कल शाम को एक मल्लाराम नाम का कांस्टेबल कलानी के अंदर सरदारा राम के पैसे 1,000 रुपये इसलिए उसके खिलाफ में राजभाषा लगाया जाए, उसके बंदूक का लाइसेंस बंद किया जाए और उसके स्टेशन छोड़ दिया।